भूमि पूजन के लिए इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण है। पहला कार्ड इकबाल अंसारी को मिला है। इकबाल अंसारी भूमि पूजन में शामिल होंगे, तो ये भी अपने आप में एक अनोखा संगम। इकबाल अंसारी जो मुद्दई रहे, उनके पिताजी मुद्दई रहे, लेकिन वो शुरुआती दौर से कहते रहे कि अयोध्या रामनगरी है और जो फैसला कोर्ट का होगा वो सर्वमान्य होगा, सरमाथे पर होगा। और यही वजह है कि इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजा गया है ट्रस्ट की ओर से। इकबाल अंसारी भूमि पूजन में शामिल होंगे। भूमि पूजन के लिए इकबाल अंसारी को निमंत्रण राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से। तो बहुत से लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है और उस कड़ी में इकबाल अंसारी का नाम भी है। भूमि पूजन में वो भी शामिल होंगे 5 अगस्त को, जब भव्य कार्यक्रम होगा। हालांकि सीमित तादाद रहेगी लोगों की, सोशल डिस्टेंसिंग अन्य सभी बातों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त चमक रही है, दुल्हन की तरह सजी है। हर शख्स पूरी तरह से उत्साहित है। अयोध्या का कण कण, अयोध्या की गली कूचे सब जागृत हो उठे। देखिए, हम अयोध्यावासी हैं और धर्म की नगरी के हैं। हम हमेशा जो है सारे धर्म के जात के देवी देवताओं का जो है नाम लेते रहते हैं। ये जो है राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड। गगन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। गगन, ये बताइए कि अयोध्या कण कण अयोध्या का सज रहा है, जागृत हो रहा है, और इस बीच खबर ये आती है कि कईयों को जो निमंत्रण भेजा जा रहा है उसकी लिस्ट में सबसे पहला नाम इकबाल अंसारी का है, जो मुद्दई रहे लेकिन मानते हैं कि धर्म नगरी राम के नाम से ही जानी जाती है। देखिए कुलदीप, ये खूबसूरती है राम मंदिर बनने के से पहले की, जो खूबसूरती कहीं खो सी गई थी अयोध्या की, अयोध्या के हिंदू मुसलमान या मानो बट गए थे मंदिर और मस्जिद के नाम पर, लेकिन जब राम जन्मभूमि में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, अद्भुत राम मंदिर बनने जा रहा है, तो वो खूबसूरती फिर से वापस लाई जा रही है। जो रामराज की कल्पना योगी आदित्यनाथ ने की थी, जो रामराज की कल्पना हर व्यक्ति करता है, वो खूबसूरती वापस आ रही है। इकबाल अंसारी को ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है कि राम जन्मभूमि में जो कल 5 तारीख को कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जिसमें काफ़ी सीमित लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजा गया है। इससे हम ये मान सकते हैं कि जो रामराज की कल्पना सभी लोग कर रहे थे वो वापस आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब 1949 में हाशिम अंसारी और रामचंद्र, परमहंस रामचंद्र, जब एक साथ कानूनी लड़ाई लड़ने कोर्ट जाते थे एक साथ, और कानूनी कोर्ट से बाहर आने के बाद एक बार फिर से वो घुल मिल जाते थे, तो वो जो खूबसूरती थी वो फिर से वापस आ जाए, इसी के लिए कवायद की जा रही है ट्रस्ट की तरफ से, कवायद की जा रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और कवायद की जा रही सरकार की तरफ से। इकबाल अंसारी ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, परसों 5 तारीख को वो स्वयं जाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो रामनामा और रामायण भी लेके आए हैं, रामचरितमानस लेके आए हैं, वो उनको भेंट करेंगे। हालांकि उनकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है ये बात दीगर है, लेकिन वो जरूर उनके लिए उपहार लेके आए हैं। खुश भी हैं कि आखिरकार उस जो लड़ाई चली आ रही थी कम से कम उसमें विराम लगा है। अब अगर ट्रस्ट की तरफ से उनको भेजा, निमंत्रण भेजा जा रहा है, तो उसका स्वागत सभी को करना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। और जो इकबाल अंसारी है वो खुशी मन से, प्रसन्न मन से परसों राम जन्मभूमि जाएंगे। अच्छा गगन, इकबाल अंसारी क्या कहते हैं, अगर आज उनके पिताजी हाशिम अंसारी होते, उनको भी निमंत्रण मिलता, तो क्या उनकी भी खुशी का यही आलम होता? देखिए कुलदीप, इकबाल अंसारी के जो पिता हाशिम अंसारी थे, ये खूबसूरती उन्हीं की देन है। जब 1949 में जब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे राम और अपनी मस्जिद, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, तब हाशिम अंसारी, परमहंस रामचंद्र दास, जो सबसे पहले जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट गए थे, वो दोनों साथ में कोर्ट जाते थे, फैजाबाद कोर्ट में, जिला न्यायालय में, और साथ में वो कानूनी लड़ाई लड़ते थे, और कोर्ट से जब बाहर आते थे
तो वो फिर से एक बार भाई भाई हो जाते थे। तो ये हम मान सकते हैं ये खूबसूरती की देन इकबाल अंसारी को विरासत में मिली है, और जो ट्रस्ट की तरफ से जो एक कदम आगे बढ़ाया गया है इसी की खूबसूरती को आगे बढ़ाते हुए इकबाल अंसारी ने इसे स्वीकार किया। शायद अगर इसमें सियासत कहीं होती तो इकबाल अंसारी उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार ना करते, लेकिन इकबाल अंसारी अपने पिता की खूबसूरती को जानते हैं। स्वर्णिम पलों की जानकारी पल पल आपसे लेते रहेंगे गगन। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।